नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहिए जिसके माध्यम से आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित साथ ही साथ हैकिंग सिक्योरिटी से संबंधित वीडियोज अपलोड करते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं हम किसी भी वेबसाइट को बनाने की, आपको किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट को आप हिंदी में बनाएं। हिंदी में बनाने का कहने का मतलब है अगर आप कोई वेबसाइट लिख रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसे हिंदी में प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इंडिया में रहने वाले हैं तो आप इंडिया का पॉपुलेशन देख लीजिए, दूसरे कंट्री की अपेक्षा मान लीजिए चाइना ऐसे फर्स्ट है, लेकिन उसके बाद देखिए हमारे जो कंट्रीज है इंडिया है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में सभी को हिंदी आता है, सभी चाहते हैं कि उन्हें हिंदी में कुछ चीज़ मिले। मतलब ये है कि इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं लेकिन हिंदी सभी को आता है, तो वो हिंदी जो आता है उसके थ्रू आप अगर कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो कोई भी अगर सर्च करता है तो आपका वेबसाइट सबसे ज़्यादा आएगा। देखिए, हम दूसरे कंट्री की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश मतलब हमारा भी यूज़ है, मतलब दूसरे कंट्री के कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब हम इंग्लिश यूज़ करते हैं जिससे क्या है हमारे जो जनरेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उन सभी को नहीं आता इंग्लिश, ठीक है। तो उन्हें इस वेबसाइट में जाने से भी उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ नहीं आता, तो मतलब ही क्या है उस इन्फॉर्मेशन को जाने बस, ठीक है। तो आप उसे हिंदी में प्रोवाइड करने की कोशिश करें कि आप अगर हिंदी में उस जो डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मान लीजिए हैकिंग का हो या कंप्यूटर का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसे आप हिंदी में प्रोवाइड करें। उससे क्या है जो विजिटर है वो आपके वेबसाइट पे आएंगे, साथ ही साथ देखिए किसी को भी अगर हिंदी में मिल गए, जब हिंदी मतलब इस कंट्री का है तो अपने फ्रेंड को जरूर सेंड करेंगे क्योंकि ये हिंदी में प्रोवाइड हो रहा है तो उनको पूरा समझ आ रहा है, उस चीज़ को पूरा समझ पा रहे हैं, उनका अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो अपने फ्रेंड को भी सेंड करेंगे आप भी इसको पढ़ें और अपना नॉलेज बढ़ाओ। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इंग्लिश में ना करके आप अपने हिंदी में कोई भी डोमेन खरीदे, भी हिंदी का जो डिटेल्स बताना चाहते हैं सभी चीज़ को आप हिंदी में प्रोवाइड करें। ये अगर आपके वेबसाइट में ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी जो हिंदी का जो ऑप्शन है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विकीपीडिया में आप अगर किसी भी आईपी एड्रेस के बारे में भी अगर सर्च करते हैं तो आपको आईपी एड्रेस का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता हिंदी में, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप हिंदी में ये सब कुछ चीज़ को प्रोवाइड कीजिए तो उससे क्या है आपके जो वेबसाइट है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा क्योंकि ये अभी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप अपने वेबसाइट को अगर इसमें डाल मतलब बनाते हैं तो अभी जब हिंदी का उतना अच्छे से मतलब फैसिलिटी नहीं दिया तो आप फैसिलिटी देंगे तो क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? सबसे पहले आप ही की वेबसाइट में आएंगे क्योंकि आप ही एक ऐसे हैं जो इस फैसिलिटी को दे रहा है, तो इससे आपका जो वेबसाइट है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप जरूर बनाइए इस प्रकार वेबसाइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, ना पसंद आए तो डिसलाइक का, अपना कमेंट लिखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।